हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्ञानरंजन विश्वाल। आज आम डिस्कसन करूँ पीजीटी कॉमर्स सिलेबस, जोटा ओडिशा आदर्श विद्यालय पीजीटी कॉमर्स सिलेबस, जोटा कि आमर जो रिटिन एग्जाम हम से कॉमर्स सिलेबस से माने छाड़ी। आम आज से कॉमर्स सिलेबस को डिस्कसन करवा। कॉमर्स सिलेबस मीनस सब्जेक्ट सिलेबसटा, जोटा तुम सब्जेक्ट सिलेबस कहले पार्ट वन, गोटे है पार्ट वन पार्ट टू, ये दुटा कमन, जो पेपर वन पेपर टू जोटा सेटा कमन। से पेपर वन पेपर टू रे तुमर आसीबो, पेपर वन रे तुमर रहउछि कोन क्वेश्चन ना होउछि इंग्लिश 20 मार्क, आउ थरे कहि दउछि इंग्लिश रो 20 टा क्वेश्चन पड़िबो, 20 मार्क रहइबो, ओडिया रे 20 मार्क रहइबो, ये हेगला केते 40 मार्क। ओके, देन सेकंड जिनस हला तुमर जो पार्ट पेपर टू, पेपर टू रे एटा हला कोन, एटा हला तुमर पेपर वन, पेपर टू रे तुमर होची पेपर टू, जोटा पेपर टू रे तुमर रहइबो कोन रीजनिंग आउ करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स एंड रीजनिंग, सेतिर केते केते क्वेश्चन रहइबो 30 मार्क करेंट अफेयर्स, 30 मार्क्स कोन रहइबो तुमर होची रीजनिंग रहइबो। ओके, तो ये बोलला केते 60, ता माने ये दुटा पेपर मिसी के 100 मार्क हे गेला, दुटा जक पेपर मिसी के 100 मार्क हे गेला, पेपर 1 एंड पेपर 2 टोटल पर 100 मार्क, 100 मार्क्स हे गेला। देन पेपर 3 जोटा हूँ तुम सब्जेक्ट पेपर, सब्जेक्ट पेपर एंड टीचिंग मेथडोलॉजी जोटा। ओके, तो सब्जेक्ट पेपर मीनस ए कमर्स, आम आज कमर्स पेपर को डिस्कसन करूँ। ओके, कमर्स पेपर डिस्कसन करिया, मु पेपर वन जो टॉपिक पेपर वन एंड पेपर टू एटा भी डिस्कसन करेबी, ता सहित तुम हूँ वर्तमान आम कमर्स पीजीटी कमर्स सिलेबस को आम डिस्कसन करूँ। देखा एथेर सिलेबस कौन अच्छी, ओके, केते जोर से तुमको लेवल परिश्रम करिया को पड़िबो, आ को माने सिलेबस स्ट्रक्चर कौन अच्छे। एक्चुअली देखो एथिरे से माने टोटल बे दीटा पार्ट कर, गोटे है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, सेकेंड पार्ट हो कौन ना हो, सेकेंड पार्ट है तुम हो कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये गला तुम सब्जेक्ट रिलेटेड। देन जोटार अच्छे टीचिंग मेथडोलॉजी जोटा, आउटर अच्छे कौन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। ओके, ये दुटा तो छाड़, ये दुटा हूँ तुम ये से पेपर थ्री मानने पार्ट थ्री भितर तुम सबुड़ा रोज, जो पेपर थ्री भितर सबुड़ा रोचे, किंतु एक तुम्हें गोटे काम करमी पढ़ कौ प्रोसेस फॉलो कर बतई देवी, ता सहित आम आज डिटेल्स डिस्कसन करवा एक्चुअली सिलेबस कौन अच्छी। देख ये टोटल मार्क आसो के 100, जो तुम जो कमर्स जो पेपरटा से 100 मार्क र। तो फास्ट पेपर अच्छे कौन बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट मीनस मुझे सीबीएसई सिलेबस 11th एंड 12th को देखीदा, सीबीएसई सिलेबस 11th एंड 12th जो भी सिलेबस अच्छे से पूरा जोड़ता भितर से रखी, सहित एक्सट्रा किसी रखी, जमीक फास्ट सिंपल इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस इंडस्ट्री कमर्स, ये तो क्लासीफाए करा कौन इंडस्ट्री कौन कमर्स कौन, आम अलरेडी जिनस को जानते क्लास 11th ये जिनस को आम पढ़ी पढ़ी आस पढ़ाऊँ पीला जिनस। फीचर्स ऑफ द बिजनेस, ये जो इंडस्ट्री कमर्स आ गए कौन तुम बिजनेस, दुटा जाक बिजनेस अंडर में रोचना, इंडस्ट्री गोटे सैड में गोटे सैड्रे कमर्स आम बुझी या रही आम पढ़ला बेल टीचर आमको या कही है, तो ये भी सही अच्छे, तो बाकी तक तुम से अनुसार प्रिपेरेसन हम, तो मैंने सिंपल पूरा जो बेसिकटा से जिन अच्छी कमर्स कौन, कमर्स फीचर्स कौन, कमर्स जो हडल्स गुड़ाक जो जो कौन जो ऑब्स्टेकल गुड़ाक जो आम फेस करूँ मैंने जो प्रिभेन्ट करूटा को आम हिंडरेन्सेस गुड़ाक सब पढ़ो। डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, याद क्वेश्चन हो पार बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यार जो डिस्टिंक्शन बिटवीन यहाँ आम सीएचएससी सिलेबस भी अच्छी, चॉइस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तुम बिजनेस स्टडी आम सीएचएससी भी अच्छी, सीबीएसई भी अच्छी, दुटा जगह अच्छे तुम आराम से पढ़ी पार, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, जॉइंट स्टॉक है, जो कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यार विषय लिखा अच्छे ये लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, ऑलरेडी एक पढ़ला बेले टी इन गुरुत्व देदेव, जो एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ये विषय टी पढ़ीदेव, जहाँ भी हो ताकू टे देखीदेव तुम नेट्रु सर्च करी। आसीस्टान्स बाय गवर्नमेंट एंड स्मॉल स्केल सेक्टर पर गवर्नमेंट जो करेन्ट पॉलिसी जो इकोनोमिक जो भी फाइनेंशियल आसीस्टान्स सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करुच्चे ता रिलेटेड, जमीक तुम टी वाइड कर देखीदेव, वाइड कर देखीदेव मैंने नाबार्ड फाबड़ विषय दिया है फिर भी तुम्हें हूँ फॉलो करदेव, रूराल सेक्टर को भी ता सहित जोड़ी तुम्हें देखीदेव
ଆମର ଖଦି ଆଣ୍ଡ ଭିଲେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ବି ଦେଖିଦେବ, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତା ଦେହରୁ ବି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ବୁଝିହେଉଛି? ଓକେ, ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଲା, ସେଠି ଉପରେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କି ଲେଖିଥିଲା, ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସ ପୁଣି ଖୋଲିକି ସେଇଆକୁ ଲେଖା ଅଛି। ସୋଲ୍ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର୍ସିପ୍, ଜଏଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବ, ଏଲ୍ଏଲ୍ପିଟା ବି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଇଏ ଜେନେରାଲ ବୁକ୍ରେ ତୁମର ଏଲ୍ଏଲ୍ପି ନାହିଁ, ଏଲ୍ଏଲ୍ପିରୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇଦେବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ, କମ୍ପାନୀର ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଲଟ୍ ଆଉ ତ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଅଲରେଡ଼ି, ଏମ୍କମ୍ ମାନେ ତୁମର ହେଉଛି ଲ ବି ତୁମେ ପଢ଼ିସାରିଥିବ, ତ ଇଏ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆମେ ଏଥିରୁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପୁରା ସିଲାବସକୁ କଭର୍ କରେଇବି। ଓକେ, ପୁରା ସିଲାବସକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କଭର୍ କରେଇବି। ଦେନ୍ ହେଲା କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ତୁମର ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ପଢ଼ିଦେବ, ଯାହା ଅଛି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବିଜନେସ୍ ଓନରସିପ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପୁରା ତୁମର ହେଉଛି, କାହା ବିଷୟରେ ତୁମର ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ମେନ୍ଲି ଏଠି କମ୍ପାନୀକୁ ବେସ୍ କରି କରାହେଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ଆମର PPP ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଏକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା, ଏଇଟା ଟିକିଏ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ୱାଇଡ଼ କରିକି ଟିକିଏ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟର ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ, ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ହେଉଛି ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ କଥା କୁହାହେଉଛି, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ତାକୁ ଟିକିଏ ୱାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଟିକିଏ କ'ଣ କରିବ, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟିକିଏ ଦେଖିବ, ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମକୁ। ତା'ପରେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ, ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ ବିଜନେସ୍ର ମାନେ ଫିଚର୍ସଟା ଟିକିଏ ପଢ଼ିଦେବ, ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବ ତୁମେ। ତା'ପରେ ବିଜନେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ବିଜନେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ୱେର୍ ହାଉସିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ CBSEର ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍, ଯେମିତିକି ତୁମର ହେଉଛି ଆରିଆନ୍ଥ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା CBSE ସିଲାବସ୍ରୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତା ଦେହରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିବେ, ତ ସିଏ ସେଇଠୁ ତିଆରି ମାନେ ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି ପକାଇଦେବେ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ସେଇଥିରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ପକାଇବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ମାନେ କମର୍ସ, ସେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପକାଇଦେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତେଣୁକରି ଏକୁ ଟିକିଏ ସେଇ ମାନେ ପୁରା ସିଲାବସ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖିଦେବ। CBSEର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ କ୍ଲାସ୍ 11th 12th ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଆରିଆନ୍ଥ ବୁକ୍ କିମ୍ବା ଅଦର କେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ରୁ କିଣିଦେବ, କିଣିଦେଇକି ତା ଦେହରୁ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ବି ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ରୁ କିଣିଦେବ, କିଣିଦେଇକି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ରେଡ୍, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ରିଟେଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଇଏ ପୁରା ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଇଏ ପୁରା ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ଏମର୍ଜିଂ ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଇ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ, ଇଏ ପୁରା ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ଇଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ UGC ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଇଏଟା ବି ପଢ଼ୁଛି, ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ତୁମର ମେନ୍ ଏଠି ଯେଉଁ EPZ ଆଉ SEZ, ଏକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଦେଖିବ, କାରଣ ଇଆର ଦେହରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖେଇଦେବ। EPZ, SEZ ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ପେସିଫାଇଡ଼୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍, ତୁମର ତା'ର ଯେଉଁ ଫିଚର୍ସ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ SEZ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ମାନେ ଦେଖିଦେବ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଓକେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ରହିଲା, ତାକୁ ତା'ର ରିଲେଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିଦେବ। WTO, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ WTO କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା, WTOର ହେଉଛି ତୁମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ WTO ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି WTOର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଓକେ, ଏକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବ। ତା'ପରେ ତୁମର ହେଉଛି WTOର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ନେମ୍, ବୁଝିହେଉଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖିଦେବ। UNCTAD, ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଓକେ, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ 1964 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି କ'ଣ, ଏଇଟା କେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ, ମାନେ ତୁମର ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, କେଉଁ ମାନେ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ କେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଓକେ, କରାହେଇଛି, ତ ୟାକୁ ବି ଦେଖିଦେବ। ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଦେଖିଦେବ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିଦେବ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେବ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାଲି ଦେଖିବନି, ଯେଉଁ IDFID ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିଦେବ। ଦେନ୍ ହେଲା IMF, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫର୍ମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫିଚର୍ ଯେଉଁ SDR, FDR ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବ। ଆଉ କମନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ନା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା, କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି ତା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, କେଉଁ ସିଟିରେ ଅଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ତା'ର ବେଶୀ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ତା'ର କିଛି ରିଲେସନ୍ ଅଛି କି, ସେଇଆକୁ ବେସ୍ କରିକି, ଯେମିତି WTO ହେଲା, WTOର ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଟିକିଏ, ବାଇ ଚାନ୍ସ
कथा पढ़ी आमको प्रिपेरेसन हो जाए शहे मार्क पड़ो या टोटाली पूरे सिलेबस मैंने कमर्स रू पड़ो देन है बिजनेस फिनान्स एंड सोर्सेस अलरेडी एटा तुम जानी थो कारण जेहे तुम हाई लेवल प्रिपेरेसन हो बिजनेस फिनान्स सोर्सेस ओनर एंड ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स मीन सी तुम ये डिवेंचर आउ शेयर कैपिटल विषय कहे डिवेंचर विषय कहे सोर्सेस ऑफ रेजिंग फिनान्स इक्विटी एंड प्रिफरेन्स अलरेडी आम जानते देन है जीडीआर एडीआर विषय कहुची अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट यार फीचर्स एक्चुअली एडा टे देखीद तुम डिपोजिटरी आक्टा भी दरकार पड़े पढ़ीदेव कारण एसएसबी सिलेबस से पढ़ुते डिवेंचर्स डिवेंचर विषय भी डिटेल्स डिस्कसन करदेव डिवेंचर जो कौन जो आम से कौन डिवेंचर टाइप्स ऑफ डिवेंचर देन है तुम रिडीमेबल तार जो टाइप्स ऑफ डिवेंचर गुड़ा टे फॉलो करदेव आ तार जो करेन्ट 2013 आक्ट अनुसार किसी यदि स्पेसीफिक किसी जो कते परसेंटेज रिजर्व रखा कौन कर डीआरआर कत परसेंट ट्रांसफर करयर भी टे देखीदेव ओके सेयार टाइप्स अफ सेयार एक देखीद बंड्स रिटर्न प्रॉफिट रिटर्न अर्निंग्स भलसे देख पब्लिक डिपॉजिट लोन फ्रॉम फाइनेंस तमें बिजनेस स्टडी एटा अच्छी तमें बुझ पार्टी थियोरिटिकल मेनली अच्छी बिजनेस स्टडी सिलेबस अच्छी बुझे एटा बिजनेस स्टडी सिलेबस अच्छी एटा बिजनेस स्टडी लिखाई हेडिंग अच्छी बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट ओके ताने ये जो टॉपिकटा एटा थियोरिटिकल बेस करके क्वेश्चन आसो से क्वेश्चन खोजे से बिजनेस स्टडी बुक मैनेजमेंट बुक रू ही क्वेश्चन देखिए कौन हो पार बुझे पब्लिक डिपॉजिट ट्रेड क्रेडिट ये जिते सब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देती कमर्सियल बैंक विषय देती बैंक पूरा फीचरटा पढ़ीदेव आरबीआई पढ़ीदेव कारण जेहतु मनी मार्केटा को कैपिटल मार्केटा को टी भी भलसे देखी दरकार कारण तार रिलेटेड क्वेश्चन याद पार सोशल रेस्पोंसिबिलिटी सीएसआर एक्टिविटा पूरा देखीदेव तार मानने सीएसआर लॉटा भी टी पढ़ीदेव बिजनेस एथिक्स और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैंने एनवायरमेंट आक्टा टी खाली जस्ट कि नजर पकईदेव एनवायरमेंट रिलेटेड अलग किसी जी रूल्स रेगुलेशन जी हाई लेवल तुम जमी पढ़ुंट आम तो से जिनटा भी टे देखीदेव मैनेजमेंट कनसेप्ट ऑब्जेक्टिव ये पुणी मैनेजमेंट कनसेप्ट ऑब्जेक्टिव ओके जाओ ये तुम आसचे कौटी कहला जो आम जो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो 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 कौन थे टेलर का प्रिंसिपल हेनरी जो आम हेनरी फाइल का प्रिंसिपल ओके साइंटिफिक मैनेजमेंट विषय अच्छे ना आउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन लेबल्स ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एगुड़ा भी टे देखीदेव लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट विषय अच्छे लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने जो टॉप मिडिल लोअर लेवल जो जिन तार विषय कहे कारण तक सिलेबस एडाक अच्छी सीबीएसई सिलेबस एडाक डिटेल्स अच्छी बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट तुम मीनिंग इंपोर्टेंस डायमेंशन चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट ये तो ऑलरेडी तुम जानी थो तुम बिजनेस एनवायरमेंट जो फास्ट तक सिलेबस भी अच्छी ये जिनस लिखा अच्छी आउ एलपीजी पॉलिसीटा को तादर पूरा तुम मिक्स करके पढ़ ओके आउ ये गोटे लिखी फ्यूचरिस्टिक्स विजन ता माने ये बुक रे वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन हुए तो से कॉपी पेस्ट कर देते तो आखिदेन आउ मैनेजमेंट फंक्शन फ्यूचरिस्टिक विजन एमती किसी सिलेबस रही ना रिटर्न एग्जाम सिलेबस विषय में मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन एथिरु एको सबु पार्टा को तुम्हें भलसे पढ़ कारण सी कौन करेंगे जानकर जो क्वेश्चन पढ़ो सीबीएसई सिलेबस सी से खोजिकी मत लगुच सीबीएसई जो पास्ट क्वेश्चन हो तार दूर खोजिकी पकईदे ये सब चैप्टर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी एवं कंटिन्यू रोचे एग्जाम से कॉपी पेस्ट करदे पारती मत लगुच कहीं कई टीचर से नहांती जो कमर्स एंको ऑर्गेनाइजेशन रे स्पेसिफिक माने सेमती हाई लेवल टीचर के नथिबे फर्स्ट टाइम होची ते सीनियर टीचर एथरे के नथिबे तो क्वेश्चन पई ये स्पेसिफिक अलगा को गेस्ट हिसाब रे माने फ्रांचाइजी हिसाब रे क्वेश्चन का बनेबा को मागी परंती किंबा अलगा को यूनिवर्सिटी के से जगह कोई परंती कहबा पूर्वर किंतु निजे भी तुमर होची दरकार पहिले बसी करके से होची कोन करबे बनईदे कौन तुम सीबीएसई रो सिलेबस देखिक ये सिलेबस माने सीबीएसई सिलेबस तो यहाँ से अनुसार क्वेश्चन बनईदे मत लगुच करेंगे मानने कारण ये ना कि मानने किसी सीरीयसने आम सीना भावुं कि सीरीयसने कि ऑर्गेनाइजेशन ही से बिजनेस फिनान्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग एंड स्कोप रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हाँ यहाँ आडिशनाल टे बे जोड़ी एटी जो ये वर्किंग कैपिटल अच्छी लिवरेज से आनालीसीस ये सब ना
लिभरेज विषय ये अल्प कि अच्छी यहाँ कहानी जो लिभरेज आनालीसीस कैपिटाल स्ट्रक्चर ये बिजनेस स्टोरी सिलेबस भितर अच्छी तेणुक ये टी हाल्का ही अच्छे फिनान्सील मार्केट यहाँ पूरा अच्छी मनी मार्केट यहाँ पूरा था कैपिटल मार्केट प्राइमरी सेकेंडरी दुटा जाक मनी मार्केट जिते इनस्ट्रुमेंट ताक भलसे पढ़ की जी सर्ट टर्म सिक्यूरीज गुड़ाक जिते सब रहा देन स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ओटीसी प्रोसीडियर एंड सेबी सेबी पूरा रूल्सटा भलसे पढ़ीदेव सेबी के एस्टाब्लीशमेंट है तार रूल्स तार फंक्शन डिटेल्सटा भलसे पढ़ की करेन्ट्रे किसी जी केस होती किसी ताक भी नजर पकई थी बुझे मे भी तरह क्वेश्चन हो पारे ना इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तुम रोइबो इंपोर्टेंस मैन पावर एस्टिमेशन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंपेंसेशन ये गला तुम एचआर टा हमें ऑलरेडी पढ़ी आम सब पिला पढ़ी पढ़ी आसन जे कमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हो निश्चित ये सब विषय जाणी ही थी बेसिकटा बुझे ता सहित तुमको खाली एवं कौन करार अच्छे टी रिड मार देके बस ताको कौन करार अच्छे तेरे क्वेश्चन प्राक्ट करार अच्छे टाइम दे क्वेश्चन प्राक्ट करार अच्छे के क्वेश्चन तुम पर्टिकुला टॉपिक पर प्राक्ट कल से ही तुम्हें तुमको हेल्प कर आउ ना के पढ़ी नलेज रखी टॉपिक पर सहीटा भी एत बेसि हेल्प करनी क्वेश्चन बहुत सारे प्राक्ट करा दरकार मार्केटिंग मैनेजमेंटा पूरा अच्छे अलरेडी तुम सीबीएसई सिलेबस अच्छे सीएचएसई सिलेबस अच्छे जेकोसी बुक कि तुम्हें पढ़ी दे पार हाई लेवल बुक देखनी बारंबार कहे से देखिपार कि कथा तुम्हें कितना आगे सीबीएसई क्लास इलेवेन्थ ट्वेल्थ बिजनेस बुकटा पूरा भलसे देखीद क्वेश्चन जिते अच्छे प्राक्ट करदेव आ प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा सीबीएसई जितने एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्राक्ट करदेव तो चेंज इन फैक्ट गला ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तक वैल्यू बेस्ड टाइप पड़ी जाए सी पकेबे ना से गुड़ा जुड़ी दे पकईपारे जेणुक भलसे देखिए बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन हुए सीबीएसई मैंने जो क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ इलेवेन्थ दुटा जगह मोटेसन कनसेप्ट ये तो अलरेडी तुम्हें जानते ऑर्गेनाइजेशन विषय बिहेवियर विषय अच्छी तुम्हें एक टी देखीद एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट तुम्हारो ये जो गुड़ाक यहाँ टी एक्स्ट्रा जोड़ी सिलेबस मैंने तुम मैंने आम रिटिन ये एग्जाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नॉलेज ये सब विषय लिखी यहाँ टी एक्स्ट्रा जोड़ा भाया लगुच मत देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन टा तुम पूरा अच्छे जो न्यू कंज्यूमर 1986 एक्टा पढ़वनी करेन्ट जो अपडेटेड एक्टा से पढ़ीदेव बुझे तो करेन्ट अपडेटेड एक्टा पूरा पूरी भलसे पढ़ीदेव कंज्यूमर प्रोटेक्शन तार डिटेल्स तुम्हें तो जानी थी जमी तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रे तुम रेस्पनसबिलिटी कंज्यूमर अवेयरनेस लीगल रिड्रेसल जिते रही डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेंट्रल जेगुले जहाँ भी रही स्पेशल रेफरेन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन आक्ट रोल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एनजीओ कौन कहे लेखा अच्छे बुक्र सिलेबस अनुसार जे जो मानने जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रोचंती नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सी इनडायरेक्टली कौन कर सपोर्ट दौंती बुझे कंज्यूमर मान को तो तार रिलेटेड ये किसी जिन सिलेबस अच्छे से कॉपी कर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अकाउंटिंग अकाउंटिंग रे तुम्हारा कौन अच्छे देख अकाउंटिंग रे पूरा बेसिकटा एक भलसे देखिए जी बारंबार कहे को भलसे देख बहुत सारे क्वेश्चन यादव प्राक्ट कर ये बेसिक गुड़ा कारण या कौन हो तुम देख जमी आम भाई कौन आम जानते सब कनसेप्ट सब प्रिंसीपल सब आजमसन गुड़ाक आम भलसे जानते पढ़ी सब पिला जानते तो से ही क्वेश्चन हम से एमती लिखाही थी क्वेश्चन आम कन्फ्यूजन करदे के भी जन टीचर भी भूल करदेव से पढ़े पढ़े आसला 10 वर्ष है सी भी भूल करदेव तर मुठी 10-12 वर्ष है पखापाखि प्लस टू प्लस थ्री पर पढ़ाऊँ पिला प्लस टू पिला ट्यूशन करुच्चे प्लस थ्री तो फिर भी आमर कि ना कि मिस्टेक हो जाऊँ केमी ता मान हूँ तार भितर जिते क्वेश्चन को एमती जन सेन्टेन्स लिख तुमको कन्फ्यूजन करदेव से बुझे यही क्वेश्चन रू कन्फ्यूजन हम सी मैंने जो पर्टिकुलर यही चैप्टर तापर आगे पलैला चैप्टर तुमको आउ कैश बुक है कि बैंक रिकनसिलेसन से जगह पर कन्फ्यूजन हेनी कथा यही कन्फ्यूजन हो बेसिक रू ही कन्फ्यूजन हुए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्डा तो आम भलसे सब पढ़ा दरकार कारण तादर क्वेश्चन हो इंडीएस विषय टी लिखाएनी केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा अच्छे बुझे देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भाउचर यहाँ बुक रे अच्छे डॉक्यूमेंटेशन जो गोटे मैंने भाउचर ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप्स ऑफ भाउचर अंडर में जिते सब रहा तुम इनवॉइस ए सी ताको भी भलसे देखी कारण ऑलरेडी तुम ऑडिटिंग रे जस्ट टी शुणी थी एथेरे से मैंने तुम अकाउंटिंग सेटा अच्छे पर्पज बुक्स लेजर पोस्टिंग जर्नल जर्नाल भलसे देख जर्नाल जो जर्नाल पूर्व जो बेसिकटा से अकाउंटिंग इक्वेशन सब्सिडरी बुक्स बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन एरर एक चैप्टर टाक भलसे देख चैप्टर रू
निश्चित भल क्वेश्चन हम बैंक रिकनसिलेसन स्टेटमेंट सिलेबस जोड़ाक अच्छे से पढ़ी आईटा देखिए अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन तो आम सब पढ़ी ठीक से कितु कथा कौन कह डेप्रिसिएशन रु तुम जो क्वेश्चन कौन हम जो डेप्रिसिएशन कजेस तादर बेस हो पार क्वेश्चन आउ हूँ तुम जो डेप्रिसिएशन कौन पर दरकार इम्पोर्टेंस कौन बुझे बुक्रे सब स्ट्रक्चर अच्छे इम्पोर्टेंस कौन कौन पर डेप्रिसिएशन मैंने आम कैलकुलेशन करवा कि ट्रीटमेंट को नवा दरकार कौन बुझे प्रोविजन एंड रिजर्व एक रही पार बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे या भितर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे तुम सिलेबस रे पार्टनरशिप रे तंगर कोन हेची देखो तंगर पार्टनरशिप रे तंगर जो सीबीएसई सिलेबस रे पार्टनरशिप रे अप टू डिसोल्यूशन पर्यंत जाईची तो एठी कोन हेची पार्टनरशिप फॉर्म रे फर्स्ट हला पार्टनरशिप फॉर्म रे गुटे हला कोन ना होची तुम बेसिक चैप्टर टा हला कोन तुम होची पार्टनरशिप रे तुम होची 1 जोटा इंट्रोडक्शन टा बेसिक टा जो डीड फीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ए सब अछि देन सेकंड हला तुम होची गुडविल वैल्यूएशन पार्टनरशिप 3 है कौन तुम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बुक अनुसार कहे पार्टनरशिप 4 है कौन है एडमिशन देन पार्टनरशिप 5 है कौन डिसोल्यूशन देन पार्टनरशिप सॉरी रिटायरमेंट देन 6 टा है डिसोल्यूशन पर्यंत अच्छे पार्टनरशिप 6 चैप्टर अच्छे तो से 6 चैप्टर ये डिसोल्यूशन डेथ एंड डिसोल्यूशन जोटा मैंने सॉरी जो रिटायरमेंट डेथ गोटे कॉमनटा बुझे रिटायरमेंट डेथ एंड डिसोल्यूशन बुझे रिटायरमेंट डेथ तो पाखापाखि सेम रहा ना बुझे अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देन है अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रु अल्प कि गोटे छोटिया चैप्टरटे बुक्रे अच्छे तुम्हें से ही पढ़ीद बेटर हम देन है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर सिलेबस में नाई ये जोड़ी एक्स्ट्रा सिलेबस में नाई सीबीएसई सिलेबस में नाई यहाँ तुमको पढ़ाई पड़ोनी बाकी तक एटी से अच्छे बुझे सीबीएसई सिलेबस भितर ना से जोड़ी कारण पर चेंज चांस हो पाए तो ये पढ़ाई पड़ोनी यदि तुम्हें से स्कूल टीचर होगल तुमको पढ़ाई पड़ोनी बाकी तक एठ एंट्रान्स क्वेश्चन हो ओके अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑलरेडी हमें जानते शेयर कैपिटल टाइप्स ऑफ शेयर्स मैंने प्रिफरेंस शेयर विषय में कहुचे इक्विटी शेयर तो किसी टाइप अकाउंटिंग फॉर इश्यू आउ अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर री इश्यू डिबेंचर टाइप इश्यू एक सब गला बेसिक जब रुए रिडिमसन भी अच्छे मेथड्स ऑफ रिडिमसन यहाँ भी अच्छे इश्यू एंड रिडिमसन दुटा जाक अच्छे देन सोल प्रोप्राइटर जॉइंट स्टॉक कंपनी इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑलरेडी हमें जानते अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन लिक्विडेशन टा से जुड़ीं सिलेबस ये सब किसी ना बुझे यहाँ सिलेबस भितर एमती किसी टॉपिक ना फाइनल अकाउंट्स अच्छे किंतु तुम अप टू तुम कौन फाइनेंशियल अकाउंट प्रेजेंटेशन ये सब अच्छे किंतु ये सी ऑलरेडी तो आम उपर से पार्ट देखिक आसे कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी ये सब सिलेबस कौन अच्छे स्पेसिफिक चैप्टर है सब रही तो ये तुम्हें ऑलरेडी जान सारी थी जे कौन मुझे तेने कौन आमर जमी आम पढ़ले फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सीटा कह रहा सोल प्रोप्राइटर रो पढ़ले देन पार्टनरशिप रो भी पढ़ुंट पुणी कंपनी रो पढ़ुंट बुझे आउ रहा कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रे भी पढ़ुंट कहीं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रो फाइनल अकाउंट विषय कहीं किसी कही ना बुझेगा ओके अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन यहाँ सिलेबस ना कि एक्स्ट्रा जोड़ी ओके सिलेबस ना मीन सीबीएसई सिलेबस ना यहाँ लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मीनिंग एंड सिग्निफिकेंट लिमिटेशन टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ तुम आमर गोटे बुक अच्छे जोटा कि हूँ जो आम सीएचएससी यहाँ अच्छी पार्ट जो ऑप्शनल अंडर अच्छी यहाँ कौन अच्छी अकाउंटिंग जोड़ी अकाउंटिंग तीन टा बुक सीबीएसई अकाउंटिंग तीन टा बुक गोटे पार्ट 1 फॉर पार्टनरशिप जो 12th रे आउ पार्ट 2 है हूँ कौन कंपनी पार्ट 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ओके जो रेशियो एनालिसिस ये सब वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस वर्किंग कैपिटल ये सब रोज ओके प्रिपेरेशन कंपेरेटिव कॉमन साइज से भितर देन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी सिलेबस यहाँ अच्छी फंड्स फ्लोटा कहीं ना कि कैश फ्लोटा पूरा अच्छी ताको भी तुम्हें पढ़व भलसे कॉस्ट अकाउंटिंग नेचर ऑफ फंक्शन यहाँ तो आम पढ़ी ऑलरेडी आम जानते प्लस टू सिलेबस ओके से युवा डिटेल्स अच्छे एक किसी कष्ट हम ना आम ये क्वेश्चन भी प्राक्ट करवा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आम सिलेबस भी अच्छे सीएचएससी भी अच्छे सीबीएसई भी अच्छे दुटा जाकर अच्छे तुम्हें ये जे लिखाई ना बहुत गुड़ाक या बेस किसी पाठ ना है बहुत कम पाठ एक कन्फ्यूज होगा किसी दरकार ही ना तुम डाटाबेस मैनेजमेंट ये सी पूरा मैंने जो तुम्हें जी सीबीएसई रो कौन ग्रेवाल बुकटा जी किद तादेह गोटे चैप्टर अच्छे कौन कंप्यूटराइज कंप्यूटर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ओके तादेह यहाँ पूरा ये सिलेबसटा अच्छे ओके तादेह पूरा सिलेबसटा अच्छे दुटा जाक पार्ट हो पार्ट 1 मैंने 11th 12th
ओके तुम्हें से पढ़ी पार देन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग सेमती किसी टॉपिक चैप्टर है कि ना बाकी तक कौट अल्प कि अच्छी तापर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तुम यहाँ नेट्रु भी पढ़ी पार जब कोई बुक पाओना तेल यहाँ भी तुमको इजी हम नेट्रु भी कलेक्शन करदे पार रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रेस्पोंसिबिलिटी सी एस आर टा तो पूरा पढ़ाक पड़ो तुमको तापर नेक्स्ट है टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी तुम हूँ प्रोसेस कौन ना ये हूँ तुम्हें देख टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी आउ गोटे कौन अच्छी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन जो फॉर्मल इनफॉर्मल तू रहा जहाँ भी आम कम्युनिकेशन अच्छी यहाँ तो तुम्हें एठ भी पढ़ी पार कौर तुम यूजीसी नेट रे यूजीसी नेट रो जो पेपर वन बुक रे तुम्हें पाइज पेपर वन रो सिलेबस भितर एटा अच्छी उपरटा भी अच्छी दुटा जाक अच्छी से पढ़ो से एम सी क्यू क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी तरह पाठ भी सजेक लिखा अच्छी जेकोसी गोटे रेफरेन्स बुक दे पार कि तार दिन पढ़ीदेव बेटर हम तुम्हें ओके कारण ये बे अधिक किसी हो पारे आए तारू पढ़ीदे तुमको बेटर हम आ टीचिंग मेथोडोलॉजी से पेपर वन यूजीसी नेट रो पेपर वन बुक रु तुम एक कहीं कौन तादर एम सी क्यू क्वेश्चन गुड़ाक सिस्टमेटिकाली तुम्हें ताको से पढ़ी पार सहित तुम्हें जो कम्युनिकेशन टा आम मैनेजमेंट भी आम टे फेस करते आम जो मैनेजमेंट भितर बिजनेस मैनेजमेंट भितर आम कम्युनिकेशन चैप्टरटा पढ़ुं बुझे आम कम्युनिकेशन विषय थिला अच्छी तो ये तुम्हें से एक्चुअली यहाँ कौन कर यो टपिकटा यदि मन कर दस टोटाल पूरे कमर्स शहे मार्क जो टपिक पर तुम पेपर पर तो ये हंड्रेड मार्क कले या तो जहाँ भी दस मार्क पड़ो ना ये छाड़ कौन पाई भलसे पढ़ी जब असुविधा किसी अच्छे फुल मार्क तो रखा पड़ो कारण बहुत इजी क्वेश्चन पैटर्न रोना तो कटअप बहुत अधिक जीव कटअप बहुत अधिक जीव सिक्सटा पोस्ट अच्छी जे कि कटअप बहुत अधिक जीव कि प्रॉब्लम हूँ कौन पिला सब पिला एलिजिबल ना तुम्हें एडवांटेज बहुत सारे भल स्टूडेंट जे मैंने मैक्सिमम भल स्टूडेंट मैंने एलिजिबल ना कौपाई मैक्सिमम भल स्टूडेंट मैंने कौन कहला सब भल स्टूडेंट ही बाछी रही जाऊँगी कारण से बीड करना जी भल पढ़ु कमर्स नर्माली सी बीड करूना प्रॉब्लम होम ओडा से सत कह गले हे तो आल स्टूडेंट थपारती कि प्राय भल स्टूडेंट ही बीड कर कमर्स पिला जी होते सी प्रिपेरेसन होट पर कि ना पी एच डी फि एच डी प्रिपेरेसन हो जाए पी एच डी कौटी एडमिशन भी करदे नेट पर पी एच डी करते कई पिला खाली भी पी एच डी कर कितु बीड रे कमर्स मिलिया बहुत कष तेणुकर यहाँ सुपर चान्स जो मैं बीड अच्छी तो से मई बहुत भल चान्स मो मतरे जोश्रे लगे दरकार ये मानने फ्लेक्सीबल सिलेबस कौन सी मानने टीचिंग जॉब रे मिलवा बहुत कष्ट मानने कमर्स पाई आठ जो सिलेबस अच्छी सत्य कह गले जो पिला टिके पढ़ुं लाइन में अच्छा मुझे कौच मन कर सीबीएसई पिला पढ़ाऊँ ओके सीबीएसई पिला जब मुझे पढ़ाऊँ मत ये सिलेबस दु दिन भी मुझे कवर कर कारण ऑलरेडी जानी तुम्हें भी जानी थपार कि सीबीएसई सिलेबस यहाँ पूरा भलसे अच्छी तुम्हें को कवर कर दे पार से 99 मैंने 5% तुम से पाइल आउ 10.5% कि 6% एमती किसी जोटा एपट सेपट हम जो बाहर कलेक्शन करवाक पड़ू ओके बहुत बढ़िया चान्स ये तुम टोटल 200 मार्क 200 क्वेश्चन आसो 200 क्वेश्चन रु तुम्हें मिनिमम चेष्टा करो 150 प्लस रखापी 150 जदि रखी दौ तो मुझे कई काटिपर कई काटिपर 60 मार्क इंटरव्यू हम जे कि जदि 150 जो पिलार क्रॉस करगला जान सी कन्फर्म हो कम रखिक पाइबे पिला बहुत कम रही मार्क कितु जमी आम एस एस बी देखे एस एस रे आम प्रिपेरेसन हो सब पिला कौन मार्क अधिक ही कही हेनी कौ पिलार मार्क भल अच्छे कौ पिलार मार्क खराब अच्छे भल जा पिला भी सेठी मार्क कारण क्वेश्चन प्राक्ट कर मानने सफिसीयंट क्वेश्चन एस एस बी रे सिलेबस टी अधिक सिलेबस स्टांडार्ड भी थी भल ए सिलेबस स्टांडार्ड बहुत मानने खराब अच्छी मानने जे भी कई भी भल स्कोर कर दे पार ए प्रॉब्लम ना ओके किए भी जी टे क्वेश्चन अधिक प्राक्ट कर सिलेबस को भलसे स्टडी कर भल मार्क रखिदेव आ गोटे प्रॉब्लम हूँ कौन ना जो इंग्लीश रहा तुम पेपर वन इंग्लीश आज ओडिया बुझे ओडिया ताकू भी तुमको जगह पड़ो कारण कमर्स पिला प्रायतः से विक था बुझे से भी ग्रामार कथा कौच ग्रामर ग्रामाटिकाल एरर ओडिया भी ग्रामार भूल करदे से पिला जी टे से बैकग्राउंड रही थे से भल करेंगे तो पेपर वाटा पेपर टूटा भी तुमको देखिए अच्छे हाँ आउ गए रिजनिंग करेन्ट अफेयर्स सहित भी टच्रे रखा अच्छे
एबेठ लागले रिजनिंग प्रतिदिन तुम रिजनिंग किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करंट अफेयर्स किसी प्रैक्टिस कल गोटे सिस्टमेटिक टाइम टेबुल मेंटेन करके पढ़ले तुम्हारे हो जाइबो न ए पोस्टटा बहुत बढ़िया पोस्ट सत्य कहि माने तुम यदि सीबी ए माने क्लास इलेवेन्थ ट्वेल्थ पिला पढ़ेबो ना याठ सैटिस्फैक्शन कौटी मिलेनि तुमको अधिका क्लास इलेवेन्थ एंड ट्वेल्थ पिला जो ताठ अधिक सैटिस्फैक्शन कौटी मिलेनि प्लस थ्री पिला पढ़ाई प्लस टू पिला पढ़ाई बहुत सारे पिला पढ़े कि सैटिस्फैक्शन मिलू कौटी क्लास इलेवेन्थ आउ ट्वेल्थ मतलब बेस सैटिस्फैक्शन मिलू इलेवेन्थ स्टैंडर्ड आउ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड रे ओके बहुत बढ़िया लगे पढ़ापी लाइफटा बहुत भल लगे आउ हूँ एमती इनफर्माल वे पढ़ेगा जी तुमको खुशी लगे से फर्माल वे जाए गोटे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जाए रही पढ़ेगा बहुत बढ़िया प्राइवेट कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन रे जाए पढ़ेला बेलू विरक्ति लगुच चिड़चिड़ा लगुच किसी फायदा ना ओके इरीटेसन भी फिल हे ये बहुत बढ़िया चान्स जब चान्स अच्छे मैक्सीम यूटिलाइज कर आ जब टे पाई सिक्योर जब बहुत भल जब ओके थैंक यू।